सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को झारखंड के मधुपुर रेलवे स्टेशन के बारे में आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा जानकारी जरूर पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले करूंगा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मधुपुर के वासी हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मधुपुर रेलवे जंक्शन झारखंड का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो देवघर जिला के मधुपुर शहर में मौजूद है। यह रेलवे स्टेशन दिल्ली कोलकाता लाइन पर और मधुपुर गिरिडीह लाइन पर स्थित होने की वजह से यह रेलवे स्टेशन काफी व्यस्त है, जिस वजह से यह स्टेशन झारखंड के व्यस्त रेलवे स्टेशनों में शामिल है। मधुपुर रेलवे जंक्शन रेलवे नेटवर्क के माध्यम से झारखंड और भारत के अलग अलग शहरों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस रेलवे स्टेशन का कोड है MDP। मधुपुर रेलवे जंक्शन ए ग्रेड रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है। इस रूट से चलने वाली ज्यादातर रेलगाड़ियों का इस स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है। मधुपुर रेलवे जंक्शन झारखंड का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 145 वर्षों के अधिक समय से यात्रियों के लिए सर्विस प्रदान कर रही है। मधुपुर रेलवे जंक्शन मधुपुर गिरिडीह रेल लाइन पर स्थित है। इस मधुपुर से गिरिडीह रेल लाइन को साल 1871 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया था, जिसकी दूरी तकरीबन 38 किलोमीटर है। इस 38 किलोमीटर की दूरी पर कुल मिलाकर 7 रेलवे स्टेशन शामिल है और हावड़ा से दिल्ली रेल लाइन को साल 1866 में खोला गया था। इलेक्ट्रीफाई की बात करें तो मधुपुर रेलवे जंक्शन को साल 1996 से साल 1997 के दौरान इलेक्ट्रीफाई किया गया था। आसनसोल से पटना रेल लाइन को साल 1994 से साल 2001 के दौरान इलेक्ट्रीफाई किया गया था। मधुपुर रेलवे जंक्शन भारतीय रेलवे के ईस्टर्न रेलवे जोन के आसनसोल रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। साल 1925 में मधुपुर रेलवे जंक्शन को आसनसोल रेलवे डिवीजन का हिस्सा बनाया गया था। इस रेलवे स्टेशन की ऊंचाई समुद्र तल से 228 मीटर तकरीबन 748 फुट के करीब है। मधुपुर रेलवे जंक्शन में टोटल 4 प्लेटफॉर्म और 8 पटरियां शामिल है। इस स्टेशन से रोजाना तकरीबन 10,000 से ज्यादा यात्री सफर करते हैं और लगभग 150 रेलगाड़ियों से ज्यादा इस स्टेशन के माध्यम से शुरू होती है, समाप्त होती है और गुजरती है। मधुपुर रेलवे जंक्शन में यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग, यात्रियों के लिए वेटिंग रूम, रिजर्वेशन काउंटर, शौचालय, टी स्टॉल और पुस्तक की स्टॉल जैसी सुविधाएं इस स्टेशन पर उपलब्ध है। मधुपुर रेलवे जंक्शन मधुपुर गिरिडीह लाइन पर और हावड़ा दिल्ली मेल लाइन पर स्थित है। दोस्तों, मधुपुर रेलवे जंक्शन के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।